हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज ब्लॉग में। मैं हूं सूरज राजपुरोहित यहां रशिया में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब मैं पहली बार रशिया आया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और यहां आने के बाद पता चली, और वो भी यहां रहने के काफ़ी टाइम बाद में पता चली। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि मैं यहां पे पहले आता था तो ये अलग अलग तरह के आटे हैं, ये हैं, ये हैं। और मुझे स्टार्टिंग में रशियन आती नहीं थी, मुझे पता नहीं चलता था कौन सा आटा लेना है खाने के लिए, तो मैं कोई भी इनमें से उठा के ले जाते थे, हम नया नया ट्राई करते थे। फिर बाद में पता चला इसके ऊपर एक पर्टिकुलर नाम लिखा है, तो ये वाला जो ब्राउन पैकेट है ये गेहूं का आटा है। बाकी डिफरेंट टाइप के आटे हैं और मैदे हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं। और जो इससे भी बेहतर आटा जो मुझे अभी एक महीने पहले पता चला या ढाई साल हो गए, ये है सबसे बेहतर आटा एक्चुअली, जो बिल्कुल गेहूं का एकदम एक तरीके से कह सकते हैं 90% सही आटा है। और एक और ये है, आज मैं पहली बार इसको ट्राई करूँगा। तो दूसरा फैक्ट ये था कि यहाँ पे दो तरह के पानी मिलते हैं। हम जब आते थे पानी लेने कई बार, तो हम कोई भी बोतल, हम सोचते थे सारा पानी एक जैसा है, हम कोई भी उठा के ले जाते थे, और कई बार वो क्या निकलता था, गैस वाला पानी। यहाँ जो गैस वाला पानी मिलता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, तो जैसे ये पानी देख रहे हैं ये है गाजीरो, इसमें गैस वाला पानी है एक तरीके से, और जो गैस वाला नहीं होता है उस पर लिखा रहता है नी गैस। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस पर लिखा है नी गैस। नी गैस मतलब ये नॉर्मल वाटर है जो इंडिया में अपन पीते हैं। यहाँ पे दो तरह के पानी मिलते हैं, गैस वाला उनके लिए जिनको थोड़ा एक तरीके से मिनरल्स चाहिए या फिर बबल बनते हैं, सोडा वाटर कहते हैं एक तरीके से, तो ये चीज़ होती थी। तीसरा फैक्ट ये है कि देखिए आप यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, आप ऐसी रोड क्रॉस नहीं कर सकते जैसे इंडिया में भाग के करते हैं। अपन इंडिया में भी हैं ऐसा, तो आप देख सकते हैं ये लोग जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट हुई ये चलने लगे, तो आपको भाग के रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं बड़ा बच के चलना पड़ रहा है।